Hi students, welcome in our today's physics class. So we are going to start the topic balanced force. So हमने previous class में contact force and non-contact force and सब types of contact and non-contact force हमने study किया है. तो आज की class में हम पढ़ेंगे balanced force. अब देखिए इसके नाम में ही आता है balanced force. Balanced means किसी ऑब्जेक्ट पर इक्वली फोर्स अप्लाई होता है, इक्वली बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, उसमें नेट फोर्स कितना होता है, ये हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज अ बैलेंस्ड फोर्स? अब देखिए, फोर्स ऑकर्स इन पेयर एंड दे कैन बी आइदर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. बैलेंस्ड फोर्स के लिए हमें पैर वाला फोर्स चाहिए, यानी फोर्स ऑकर इन पैर. पैर में फोर्स चाहिए, यानी कि बैलेंस फोर्स पैर में होता है. अनबैलेंस इज ऑल्सो इन पैर, बट अनबैलेंस फोर्स को हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. सो आज की क्लास पर हम सिर्फ बैलेंस फोर्स पर डिस्कस करने वाले. बैलेंस फोर्स ऑकर इन पैर एंड दे कैन बी आइदर इन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. जो फोर्स पैर में ऑकर होता है, यानी कि पैर में अप्लाई किया जाता है, तो क्या हो सकता है, एक तो बैलेंस भी हो सकता है और एक तो अनबैलेंस्ड भी हो सकता है. सो एक्चुअली बैलेंस फोर्स क्या है कि हम देखते हैं. सो बैलेंस्ड फोर्स देखिए, इफ द टू फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ बोथ फोर्स आर इक्वल, देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, सच अ फोर्सेस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. देखिए क्या क्या है बैलेंस फोर्स में. टू फोर्सेस, यानी कि हमें फोर्स पैर में चाहिए, ये तो पहली बात. टू फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, वो दोनों फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन एंड बोथ फोर्सेस आर इक्वल. बोथ फोर्सेस क्या चाहिए, इक्वल, यानी कि दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम चाहिए. तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, यानी कि नेट फोर्स, टोटल फोर्स कितना होता है बॉडी पे, कितना होना चाहिए, जीरो. तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस फोर्स, इफ द टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इट्स अपोजिट इन डायरेक्शन, बोथ इन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नेट फोर्स इज जीरो, सो सच अ फोर्सेस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. देखिए बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी. बैलेंस्ड फोर्स उसकी स्टेट कभी भी चेंज नहीं करता. तो अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते. सपोज है आपके पास एक बॉक्स है या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ये बेंच पे हमने रखा है. तो अब आपने इस पर तो पहले दो फोर्स एक्ट है. अगर आपने ये फोर्स नहीं भी लगाए F1 एंड F2, मान लीजिए कि आपने ये फोर्स नहीं लगाए, सिर्फ ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, तो इस पर दो फोर्स ऑलरेडी एक्ट है. तो वो दो फोर्स कौन से, नीचे की तरफ लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऊपर की तरफ लगता है नॉर्मल फोर्स. नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स. सो दिस फोर्स आर इन पेयर एंड दिस फोर्स आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड. सो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं और बॉडी कभी मूव नहीं करती. सो दिस इज अ बैलेंस फोर्स. अब देखिए यहाँ पे ये बॉडी है, ऑब्जेक्ट है और कोई उससे बेंच पर हमने रखा है, तो इस पर वो दोनों फोर्स तो है ही, ऊपर की तरफ है नॉर्मल फोर्स एंड नीचे की तरफ है ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर हमने उस पर एक दो फोर्स और लगा दे F1 एंड F2, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं. F1 और F2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. सपोज ये 5 न्यूटन है और ये भी कितना है, 5 न्यूटन. तो इस पर टोटल फोर्स कितना हुआ, ये तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हुआ है, बट इसका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि F1 इक्वल्स टू F2. तो F1 इक्वल्स टू F2 यानी कि, बट डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि नेट फोर्स, तो F1 माइनस F2 कितना हो जाएगा, टोटल रिजल्टेंट फोर्स जीरो. सो द बॉडी हैविंग अ नो फोर्स, तो इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं है, यानी कि वो बॉडी रेस्ट पर है.
सो बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट, बैलेंस फोर्स उसकी स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि मोशन में है तो मोशन में ही, मोशन से रेस्ट पे नहीं आएगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, वो मोशन में चला आएगा, चला नहीं जाएगा क्योंकि उसका नेट फोर्स जीरो होता है. सो दिस इज अ बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स मीन्स इफ द टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. हम और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे स्टडी करते. अब देखिए यहाँ पे द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस फोर्स इज टग ऑफ वॉर. अनबैलेंस फोर्स का भी टग ऑफ वॉर है लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अब देखिए फोर्स ऑन द बुक ऑफ बैलेंस्ड. अब यहाँ पे हमने इस टेबल पे हमारा फिजिक्स का बुक रख दिया है, ठीक है. अब ये बुक कब तक वहाँ से नहीं हटेगा, यानी कि टेबल से बुक कब तक मूव नहीं करेगा, यानी कि उसकी पोजिशन चेंज नहीं करेगा, जब तक आप उसे उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते, यानी कि आप उसे उठाते नहीं तब तक. बट एक बुक पर ऑलरेडी दो फोर्सेस एक्ट हैं. कौन से दो फोर्सेस एक्ट हैं? ग्रेविटी पुल्स डाउन ऑन द बुक. ग्रेविटी क्या करती है, उसे नीचे खींचती है. आपको पता है अर्थ एक मैग्नेट है और वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इस ऑब्जेक्ट को, इस बुक को अर्थ क्या कर रही है, ग्रेविटी क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है. द टेबल पुश अपवर्ड ऑन द बुक. बट ए बुक क्या है, उस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है एक्ट. सो नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटी क्या होता है, कैंसिल हो जाता है एक दूसरे के साथ और इस बुक पर टोटल फोर्स कितना है, जीरो. यानी कि नेट फोर्स कितना हुआ है, जीरो. सो दिस इज अ बैलेंस्ड फोर्स. यानी कि वो बुक मूव नहीं करेगा, यानी कि अगर ग्रेविटी 5 न्यूटन है तो नॉर्मल फोर्स भी 5 न्यूटन है, तो टोटल फोर्स कितना हुआ, जीरो. So the force acting on the body is zero. So therefore body or book does not move. अब देखिए tug of war. Tug of war में ए रस्सी खींच, आपको पता है tug of war means ये तीन आदमी यहाँ पे और ये तीन आदमी यहाँ पे, इनमें से गर्ल्स भी दिख रही है. अब देखिए ये तीनों इस तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये तीनों इस तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. इनका फोर्स है 300 न्यूटन और इनका फोर्स भी है 300 न्यूटन. यानी इक्वल फोर्स वो दोनों अप्लाई कर रहे हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन. सो फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और नेट फोर्स कितना होगा यहाँ वहाँ पे, जीरो. सो रिजल्टन ऑन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. सो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स. और ये मूव नहीं करेंगे, कब तक मूव नहीं करेंगे, जब तक वो कोई एक साइड वाला कोई कम ज़्यादा फोर्स नहीं लगाते. सो दिस इज अ बैलेंस्ड फोर्स. एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेंस फोर्स देखते हैं. दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स. देखिए फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शनल एक्टिंग ऑन द शॉपकीपर. और कोई है जो लड़का है उसके साथ, इसके इस पर कितना फोर्स है, 100 न्यूटन और इस डायरेक्शन में कौन सा कितना फोर्स है, 100 न्यूटन. यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल हमने देखा है, कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है फ्रिक्शनल फोर्स. तो कितना है इस डायरेक्शन में, तो एयर रेजिस्टेंस यानी कि इसका एयर मॉलिक्यूल्स के साथ भी कुछ तो फोर्स एक्ट होगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि वो क्या हुआ, बैलेंस्ड फोर्स. इस लड़के का भी नीचे की तरफ ग्रेविटी और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा है, वही ये भी वही एग्जाम्पल है. अब ये देखिए हम नीचे बैठते हैं, चेयर पर बैठते तो हम कब तक मूव नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं करते तब तक हम मोशन में नहीं आएंगे. यानी कि हमारे नीचे तरफ कौन सा फोर्स लगा होता है, ग्रेविटी का, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन का. यहीं पे भी अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ से फोर्स लगाया तब तो वो मूव ही नहीं करेगा, यानी कि उसकी रेस्ट चेंज नहीं होगी पोजिशन. दिस इज अ बैलेंस फोर्स, इक्वल फोर्स एंड अपोजिट डायरेक्शन. सो नेट फोर्स कितना होता है उस पर, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, क्योंकि बाकी के फोर्स वो कैंसिल हो जाते हैं. अब हम रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है वो पढ़ते हैं. मैंने इतनी बार बोला रिजल्टेंट फोर्स, बट वॉट इज एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स, उसकी डेफिनेशन देखिए.
The resultant force is a single force which can replace the two or more and produce the same effect on the body as the force. रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, एक सिंगल फोर्स होता है, वो किसे रिप्लेस करता है, टू और मोर फोर्सेस को. अगर हमने किसी बॉडी पर टू और मोर फोर्सेस अप्लाई किए, दो फोर्स अप्लाई किए, चार फोर्स अप्लाई किए, तो उस चार फोर्स को कौन रिप्लेस करता है, रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स यानी कि एक सिंगल फोर्स. सो रिजल्टेंट ऑफ कोलिनियर फोर्स, फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स वुड बी. देखिए यहाँ पे अब ये बॉडी, इस पर ऑलरेडी दो फोर्सेस तो है ही, अगर हमने कुछ फोर्स नहीं लगाए तो नीचे की तरफ ग्रेविटी और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन. मींस कोई भी बॉडी होती है यानी कि वो रेस्ट में होती है, मोशन में होती है, तो उसके ऊपर दो फोर्स तो एक्ट है ही, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी. अब यहाँ पे हमने दूसरा एक फोर्स अप्लाई किया, यहाँ से 150 न्यूटन फोर्स लगाए और यहाँ से 200 न्यूटन फोर्स लगाए, यानी कि एक ही डायरेक्शन में लगाइए. देखिए ध्यान से देखिए, एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स हैं, अलग अलग डायरेक्शन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन नहीं. यहाँ पे है नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटी, यहाँ इस डायरेक्शन में 150 न्यूटन एंड इस डायरेक्शन में 200 न्यूटन. तो ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं. तो ये क्या हो गया, टोटल फोर्स होगा. तो टोटल फोर्स कितना हो गया, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स. हम टोटल फोर्स को क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स. तो नेट फोर्स आर इज इक्वल्स टू 200 प्लस 150, तो टोटल फोर्स कितना होगा, 300 न्यूटन. बिकॉज ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो दो बचे कोई, दो ही, 200 एंड 150 इक्वल्स टू 350 न्यूटन. तो टोटल फोर्स कितना है, 350 न्यूटन. अब देखिए फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. अब इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे भी दो फोर्स है, नॉर्मल एंड ग्रेविटी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे देखिए, इस डायरेक्शन में लगा है 150 न्यूटन, इस डायरेक्शन में लगा है 150 न्यूटन एंड इस डायरेक्शन में लगा है 200 न्यूटन एंड 150 न्यूटन. तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा इस पर, ये दोनों तो कैंसिल पहले हो चुके, 200 जो ज़्यादा है, 200 माइनस 150, तो टोटल फोर्स कितना हुआ, 50 न्यूटन. बट किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यानी कि 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है. सो दिस इज अ बैलेंस फोर्स. एक्चुअली दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स, दिस इज अ अनबैलेंस फोर्स, यानी कि यहाँ पे 50 न्यूटन्स फोर्स अप्लाई हो रहा है. सो रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए बॉडी पर, जीरो. सो जीरो होना चाहिए, तब वो फोर्स होगा बैलेंस्ड फोर्स. हम बैलेंस फोर्स का एक एग्जांपल लेकर देखते हैं. जीरो फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो. अब देखिए इस ऑब्जेक्ट में, यानी कि इस यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या होगी, बैलेंस फोर्स होगी. अब ये मान लीजिए, ये हमारा फिजिक्स का बुक है और साइंस का बुक है, तो हमने उसे बेंच पर रखा है, तो कब तक मूव नहीं करेगा, जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाते. तो इस पर कौन से दो फोर्स से, पहले नॉर्मल रिएक्शन तो लगी है ऊपर की तरफ से, और नीचे की तरफ से कितनी लगी है, ग्रेविटी 10 न्यूटन. नॉर्मल फोर्स भी 10 न्यूटन है और ग्रेविटी भी कितने है, 10 न्यूटन. और हमने एक दो फोर्स उस पर अप्लाई किए, यहाँ इस डायरेक्शन में अप्लाई किया 50 न्यूटन एंड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया 330 न्यूटन एंड 20 न्यूटन. कंसिडर कीजिए कि ये नहीं है, सिर्फ हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, यही सिर्फ इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन्स, 20 न्यूटन्स, 30 एंड 20 न्यूटन्स. तो टोटल फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, इस यहाँ पे देखिए 10 माइनस 10 जीरो, बिकॉज अपोजिट इन डायरेक्शन, प्लस 50 माइनस 30 प्लस 20, 50 माइनस 30 प्लस 20 कितना हुआ, जीरो. तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, जीरो, यानी कि वो बॉडी उसकी स्टेट चेंज नहीं करेगी. यानी इस पर आपको इतने फोर्स दिख रहे लगे हुए हैं, अप्लाई किए हुए गए, लेकिन इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है, इस ऑब्जेक्ट पर जीरो. तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स. और वो मूव नहीं करता, उसकी स्टेट चेंज नहीं करता, यानी रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा. सो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आप मुझे बताइए इसमें रिजल्टेंट फोर्स कितना है और बैलेंस्ड फोर्स कितना है, यानी कि नेट फोर्स कितना है. देखिए यहाँ पे
यहाँ तो है नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटी, यहाँ पे टू न्यूटन्स, तो ये बैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? जीरो, यानी कि दिस इज अ एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। टू न्यूटन, थ्री न्यूटन्स, नॉर्मल एंड ग्रेविटी तो है ही, बट टू न्यूटन्स थ्री न्यूटन्स, तो थ्री माइनस टू कितना हुआ? एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन देखिए पहले, अपोजिट डायरेक्शन नहीं, सेम डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स कितना हुआ? फाइव न्यूटन। सो दिस इज नॉट बैलेंस्ड फोर्स। टू न्यूटन्स थ्री न्यूटन्स, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, थ्री न्यूटन्स माइनस टू न्यूटन्स मीन्स वन न्यूटन्स, बट वन न्यूटन्स राइट, सो दिस इज नॉट अ जीरो, सो दिस इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस फोर्स। सो स्टूडेंट्स, बैलेंस फोर्स मीन्स इफ द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैव अ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, सच अ फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पॉइंट, बैलेंस्ड फोर्स। थैंक यू।